हेलो एवरीवन, आज हमारे घर में तुलसी विवाह करने वाले हैं। जो एक्चुअली तुलसी और कृष्णा का विवाह होता है, तो आज वो करने वाले हैं। तो हम बहुत सारी मतलब उसमें प्रथाएं है उसको फॉलो करेंगे। तो आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग अबाउट दिस। विवन, विच आर दोज कलर्स? रेड और ऑरेंज। ओके, दैट्स ऑरेंज बेटा। ओके, मन किए विवान क्या कर रहे हो? जोरात मन किया है। पेंटिंग कर रहा हूँ गणपति के। गणपति नहीं रे, तुलसी। विवान कम, I'll give it to you. Come here. Don't be angry. Come, take it. चल जाओ। इवान को यहाँ पे ऑरेंज कलर करने के लिए बोला है मैंने। ऑरेंज कर रहा है भगवान को। और विशाल को येलो की ड्यूटी दी गई है। येलो टी शर्ट, येलो कलर, येलो कलर करेगा। और ये नीचे वाला ब्लू वो फुले आल डू। तो ऊपर का ऑरेंज भी थोड़ा बचा है, अभी मुझे करना है। अभी इनका तो चल रहा है, काम पे लगा दिया है। विवान, यू आर एंजॉइंग? वेरी गुड। आवड़ते कलर करायला? हाँ, कर कर, छान है की काय म्हणू। हाँ, विवान यहाँ पे अभी कलर कर रहा है। हमने कलर लगा के कंप्लीट किया अभी, तो मैं भी पूरा कलर लगा हुआ था, तो फ्रेश होके आ गया हूँ। और आने से जाने से पहले हमने गन्ने भी लाए हैं यहाँ पे। जो लगाएंगे हम तुलसी के आजू बाजू। और कलर तो कंप्लीट हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाए कलर अभी। लेट्स गो एंड सी। Thank you.
तुलसी विवाह क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। मैंने थोड़ा सा गूगल किया है और उसी से मुझे थोड़ी बहुत स्टोरी पता चले। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। एक वृंदा नाम की असुर कन्या रहती है, वो विष्णु की परम भक्त रहती है, पर उसकी शादी जालंधर नाम के असुर से हुई रहती है, लाइक वो शादी करते हैं। एक दिन असुरों और भगवानों में युद्ध छिड़ जाता है, तो जालंधर भी असुर साइड से युद्ध के लिए चले जाते हैं। तो उनके अच्छे हेल्प के लिए वृंदा क्या बोलते हैं उसको, वृंदा कंटिन्यूसली अखंड प्रार्थना करती रहती है उसके गुड हेल्थ के लिए। तो भगवानों को जालंधर को हराने के लिए मुश्किल होती रहती है, तो सब भगवान मिलके विष्णु के पास जाते हैं कि हमको कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हम जालंधर को नहीं हरा पा रहे। तो जो विष्णु भगवान रहते हैं वो जालंधर का रूप लेते और वृंदा के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो वृंदा उनको देखती है, उनको लगता है कि जालंधर आ गए और अपनी प्रार्थना छोड़ देती है। जैसे प्रार्थना छोड़ देती है तो जालंधर की शक्ति कम हो जाती है और बाकी भगवान मिलके जालंधर का वध करते हैं। तो वृंदा को पता चलता है कि अभी विष्णु जी ही जालंधर का रूप लेके आई है। वो बहुत क्रोधित हो जाती है और वो विष्णु जी को श्राप दे देती है कि आप पत्थर के बन जाओ। जैसे ये श्राप होते हैं तो सब देवता हलाहल मन जाते हैं, सब देवता लोग आते हैं और वो लोग वृंदा से विनती करते हैं कि ये अपना श्राप वापस ले ले। तो वृंदा विष्णु जी की भक्त रहती है तो वो अपना श्राप वापस ले लेती है, पर वो सती चली जाती है। जैसे वो सती जाती है तो उसकी राख से एक पौधा जन्म लेता है। वो पौधा को ही तुलसी बोलते हैं। ये जब देखते हैं तो विष्णु जी को विष्णु जी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने वृंदा के साथ ऐसा किया है। तो वृंदा का श्राप का मान रखने के लिए वो शिलाग्राम बन जाते हैं, जैसे पत्थर के बन जाते हैं। तो अभी सभी देवता लोग वृंदा का मान रखने के लिए इस शिलाग्राम और तुलसी की शादी कराते हैं। इसी तरह एवरी ईयर तुलसी विवाह हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लाइक जो शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी है उनमें अच्छी से चलती रहे। और जैसे तुलसी विवाह होता है इंडिया में, उसके बाद ही शादियों का सीज़न चालू होता है, लाइक वो जो शुभ माना जाता है, जैसे तुलसी का विवाह करके बाद में नॉर्मली सभी घरों में शादियाँ चालू हो जाती है। तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड तुलसी विवाह। बस पड़ा।
हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ है, आपको भी तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहीं पे हम ये व्लॉग एंड करेंगे। बाय बाय। डीजे डीजे।